सब चर्चा का हम सबको अवसर मिला है, क्योंकि किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म करने की स्वाधीनता मानव होने के पश्चात होती है, और मानव के पुरुषार्थ में सत्संग ही मूल उपाय है। अतः मानव जीवन जैसे अहिंसा कृपा से मिला है, वैसे ही सत्संग का अवसर भी गुरु की कृपा से ही मिलता है। अब बात यह है कि मुझे बोलना है, आपको सुनना है, कितना अच्छा हो कि मालूम हो जाए कि आप महान भाव क्या सुनना चाहते हैं। जी क्या ये तो विद्वानों का मुझे जी पर जैसे करनी है, ऐसा मैं ग्रंथों का ज्ञाता भी नहीं हूँ और इसलिए मैं सही बोल नहीं सकता। आप अपने जीवन की चर्चा, अपने जीवन में जो आपको कठिनाई हो, जो उलझन वाली होती हो, उस संबंध में आप प्रश्न करेंगे तो मैं प्रश्नोत्तर कर सकता हूं। और इस प्रकार के विषय का मैं ज्ञाता भी नहीं हूं, मैं योग्यता भी नहीं है, सुना भी नहीं सकता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि उसके सुनने के लोग हकदार भी नहीं है, ऐसा मानता हूं। नहीं तो जो मैंने बोलने का पेशा किया था वो सीख ही लिया था इसी बात पे। क्योंकि भरत का चरित्र सुने और भरत जिससे भरत हुए थे उस सत्य को पहले स्वीकार न करें तो अनधिकार चेष्टा होगी। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिए, मैं सुनाने सुनने का विरोध नहीं कर रहा हूं, अपना विचार रख रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत सत्य है, इसका अर्थ नहीं इस बात को आप लोग मान लें। आप लोगों को अगर कोई अपने जीवन में कठिनाई मालूम होती हो, उस संबंध में आप प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, मेरे जानकर पूरा लाभ होगा, अवश्य होगा। और इस तरह से तो एक समय था जब प्रणवी वेद था, उसी से सारा वेदों का ज्ञान हो जाता था मानव को। फिर वेद माता गायत्री वेद हो गया, फिर देखो आज वेद का प्रकाश कितना हुआ है, हजारों ग्रंथ हो गए। तो ये तो एक ऐसी अनंत बात है जिसका कोई सीमा नहीं है। और आप लोगों की व्यक्तिगत कोई कठिनाई है तो उस पर हम लोग विचार न कर सकते हैं, संभव है कि आपको विशेष लाभ हो जाए। तो मैं जब कभी कहता हूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम साहब अमुक विषय की व्याख्या सुनना चाहते हैं, उसका अर्थ होता है कि आपकी कोई निजी कठिनाई है क्या कि जिस संबंध में आप सुनना चाहते हैं। ये मेरे बात। हाँ भाई, प्रश्न करना चाहो तो करो, पर अपना आपका प्रश्न हो, आपके जीवन से संबंध रखने वाला हो तब तो उसका लाभ है। और नहीं तो महाराज कोई खास लाभ होता होगा लोगों को, मुझे उसका अनुभव नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होगा लाभ, होता होगा भाई, नहीं इतनी प्रथा चलती कैसे, जिससे लाभ होता है वही प्रतीत होती है बात। लाभ तो होता होगा पर मुझको उस लाभ का अनुभव नहीं है। अब किसी भाई बहन के मन में कोई प्रश्न आता हो तो करो। ये कठिनाई इसलिए हो रही है कि आपने कहा ना कि समझने में कठिनाई हो रही, बड़ी ईमानदारी का प्रश्न है, बड़ी ईमानदारी से आपने बात कही। प्रभु आज तक किसी की समझ में तो आया नहीं, वो आएगा भी नहीं। तो जो समझ में नहीं आया उसको समझने के द्वारा आपके स्वीकार कर सकते हैं, नहीं बड़ी गंभीर बात है। आप बात सुंदर बन गया,
मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ये समझने के द्वारा कभी आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर प्रभु समझ की सीमा में आता तो कहते भाई जब हमें इस आधार पर समझ लिया ठीक है, हम मान लेते हैं मैं प्रभु का हूं। ये समझ की सीमा का प्रश्न है ही नहीं, ये प्रश्न तो आस्थावान साधकों का प्रश्न है जिन्होंने प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार किया। कैसे नहीं किया, और ज्यादा कैसे कैसे लगाए तो नहीं कह सकते हैं। वेदवाणी के आधार पर किया, गुरुवाणी के आधार पर किया, भक्तवाणी के आधार पर किया। भक्तों ने कहा कि परमात्मा है इसलिए हमने मान लिया कि परमात्मा है। वेदों ने कहा कि परमात्मा है इसलिए हमने मान लिया परमात्मा है। ये समझना नहीं होता, इसको स्वीकार करना होता है, मानना होता है। आप देखिए समझ इंद्रिय दृष्टि पर काम करती है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु आप देखते हैं उस पर समझ अपना निर्णय देती है कि जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं है। यानी इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव को समझ समाप्त करती है। तब क्या होता है कि जब जीवन में इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता, इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता, उल्टा फोन लगा लीजिएगा, इंद्रिय ज्ञान तो रहता है पर उसका प्रभाव नहीं रहता। तो जब इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव जीवन में नहीं रहता तब इंद्रियां अपने आप अविषय होती हैं, यानी अपने विषय को छोड़ देती हैं। और जब इंद्रियां अविषय होती हैं तब मन निर्विकल्प होता है, ऐसा विधान ही है, अनुभव सिद्ध सत्य भी है। और जब मन निर्विकल्प होता है तो बुद्धि स्थम होती है। यही बुद्धि दृष्टि का सबसे अच्छा उपयोग है। अथवा कर्तव्य के क्षेत्र में विज्ञान के आधार पर बुद्धि कहती है कि ऐसा करोगे तो इसका परिणाम ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसके आगे बुद्धि दृष्टि का परमात्मा की प्राप्ति में या परमात्मा के मानने में कोई हाथ है नहीं। नहीं तो सभी बुद्धिमानों की के अधीन हो जाता परमात्मा। परमात्मा के संबंध में बुद्धि का कोई काम नहीं है। तुम्हें ये आई बात अलग है कि जब बुद्धि दृष्टि सम हो गई, आपकी बुद्धि सम हो गई तो अपने आप बुद्धि के सम होने पर जिज्ञासा अगर आप में है तो विचार का उदय हो सकता है। कर्तव्यनिष्ठ आप हैं तो कर्तव्यपालन की शक्ति आ सकती है। ऐसे अगर श्रद्धावान आप हैं तो स्मृति जग सकती है। तो स्मृति बुद्धि के प्रयास से नहीं जगी, आपने जो परमात्मा में आस्था की, श्रद्धा की, विश्वास किया और बुद्धि दृष्टि से मन निर्विकल्प हो गया, इंद्रियां जिससे विमुख हो गई, तो आपकी आस्था के कारण आप में प्रभु की स्मृति जग सकती है, प्रियता उदय हो सकती है। तो स्मृति का जगना, प्रियता का उदय होना और जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय होना और कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक सामर्थ्य की उपलब्धि होना, ये सब बुद्धि के सम होने का फल हो सकता है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करके देखेंगे तो बुद्धि दृष्टि का अच्छे से अच्छा उपयोग क्या हुआ भैया, तो आपको मानना पड़ेगा इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव के मिटाने में, दृष्टि के मिटाने में नहीं, बुद्धि दृष्टि का सबसे अच्छा उपयोग हुआ इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव को मिटाने में। और भाई इंद्रिय दृष्टि का जब प्रभाव मिट गया
हमारे जीवन में सब क्या हुआ कि सब इंद्रियां अग्रसर हो गई, अपने आप मन निर्विकल्प हो गया, बुद्धि स्तम हो गई, अर्थात भोग की जो रुचि थी वो योग में बदल गई। अगर एक बात में कहा जाए तो ये इसका अर्थ होता है कि इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव के मिट जाने के बाद भोग की रुचि योग में बदल जाती है। और योग माने क्या है भाई, शास्त्रीय प्रक्रिया नहीं लग जानता, योग माने परमात्मा के साथ अत्यंत समीपता, योग हुआ। और जब परमात्मा की समीपता प्राप्त हुई तो फिर जिसकी समीपता प्राप्त होती है उससे एकता भी हो जाती है, ये बोध हुआ। और जिसकी एकता हो जाती है उससे अभिन्नता भी हो जाती है, ये प्रेम हुआ। तो मिला क्या, योग बोध और प्रेम, ये आपको प्राप्त हुआ। मिटा क्या, भोग मोह और आसक्ति, ये आपकी नाश हो गई। इस दृष्टि से बुद्धि दृष्टि के प्रभाव का भारी महत्व है। बुद्धि का महत्व नहीं है, ये महत्व बुद्धि की उस दृष्टि का है जो दृष्टि इंद्रिय दृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेती है, उस दृष्टि का। और नहीं तो बुद्धि भी तो, यानी आप देखेंगे कि चोरी करने के तरह तरह के तरीका बुद्धि बताती है, किस प्रकार से कानूनी चोरी की जाकर के इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, बुद्धि नहीं बताती है क्या, बोलो जी। तो उस बुद्धि का महत्व थोड़ी, वो भी उस बुद्धि का जो इंद्रिय दृष्टि पर इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव को न रहने दे, उस बुद्धि दृष्टि का महत्व है। और वो बुद्धि दृष्टि कब प्राप्त होती है, जब विवेक होती हो। जब तक बुद्धि विवेक नहीं होती तब तक वो काम करने के लायक ही नहीं होती, सही काम कर ही नहीं सकती। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपने बड़े सुंदर ढंग से प्रश्न रखा, ईमानदारी से रखा कि ये परमात्मा अपना है, ये अपने परमात्मा के हैं, ये बात समझने के द्वारा सिद्ध नहीं हुई। इन्हीं बात समझने में बड़ी कठिन मालूम होती है, मैं कहता हूं संभव नहीं, कठिन क्या मालूम होती है। ये तो आस्था श्रद्धा विश्वास का विषय है। परमात्मा है इसका सबूत क्या है, सिवाय इसके कि आपने चाहे वेदवाणी से, चाहे गुरुवाणी से, चाहे भक्तवाणी से परमात्मा के अस्तित्व स्वीकार किया, ये इसका उपाय हुआ। तो परमात्मा जिसके स्वीकार करने की स्वाधीनता आपको आस्था के आधार पर है, सिद्धा विश्वास के आधार पर है, और किसी प्रकार से नहीं। फिर भी अगर आप परमात्मा को मानते ही हैं या मानना चाहते ही हैं तो मानिए। या एक बात और ज्यादा कहना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप परमात्मा को नहीं मानना चाहते तो भी आपको परमात्मा मिलेगा, आप चौंक जाएंगे कैसा आदमी है, कैसा है परमात्मा की न मानने से परमात्मा को मिलेगा। अरे मानने से परमात्मा बनता थोड़ी है, और न मानने से कोई बिगड़ जाता है क्या, वो तो है। तो मानने से क्या होता है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है, और संबंध से वो स्मृति और प्रियता उदय होती है और सिद्धि प्राप्ति हो जाती। लोग कहेंगे तो ठीक है, पर न मानने से कैसे मिलेगा, कि परमात्मा को न मानने का अधिकारी वही होता है जो सचमुच फिर किसी चीज को मान ही नहीं पाता। ये नहीं है
हम परमात्मा को नहीं मानेंगे, संसार को मानेंगे, हम अपने को मानेंगे, तो अपने को मानना भी, संसार का मानना भी आप कैसे सिद्ध नहीं कर सकेंगे, क्योंकि संसार की स्थिति सिद्ध नहीं होती, उसको आप मानेंगे क्या? और जब आपने अपने आप को कभी देखा ही नहीं तो मानेंगे क्या? परमात्मा ही बिना देखा हुआ है, सो बात नहीं, किसी भाई ने किसी बहन ने मेरे को कहां देखा है बताओ, बोलो आप में से कोई हो बहादुर बताए हमको, हमने स्वामी मेरे को देखा है, जो देखा है तो यह कहलाया, मैं उसका नाम ही नहीं हुआ। तो जैसे मैं बिना देखा हुआ है, ऐसी परमात्मा भी बिना देखा हुआ है, लेकिन आप बिना देखे वो मैं को माने और परमात्मा को न माने, ये तो आपका न्याय नहीं होगा, ये तो आपकी दलील सही नहीं होगी। और देखा हुआ संसार आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि तो उसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती। तो जब कभी मानने की बात आएगी भाई मेरे, तो बिना देखे की आएगी, सुने हुए की आएगी, देखे हुए की नहीं आएगी, क्योंकि तो देखे हुए की स्थिति हुई नहीं, पकड़ में आया नहीं, इसलिए देखे हुए संसार को मान नहीं सकते। तो बिना देखे मैं को मान सकते हो, तो बिना देखे है को क्यों नहीं मानते? अगर आप ये कहें कि हम परमात्मा को नहीं मानेंगे बिना देखे, तो बिना देखे मैं को क्यों मानते हो, गुरुवर मानो। तो इस दृष्टि का देखा जाए कि जब आप परमात्मा को नहीं मानेंगे और संसार को भी नहीं मानेंगे और अपने को भी नहीं मानेंगे, तो आप अप्रयत्न हो जाएंगे, अचार हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। और जहां निर्ममता आ जाएगी, यहाँ निष्कामता आ जाएगी, यहाँ असंगता आ जाएगी, यहाँ अप्रयत्न आ जाएगा, वहां अपने आप बिना किसी प्रयत्न के मैं है मैं विलीन हो जाएगा। तो मैं है मैं विलीन हो गया, तब वही बात हुई, जब मैंने है को स्वीकार कर लिया तभी वही बात हुई। इसलिए परमात्मा का मिलना तो मानने न मानने दोनों के लिए समान है। अभी आपकी मर्जी है कि मानने की प्रणाली आपको पसंद है या न मानने की, उसमें कोई घटिया बढ़िया नहीं है, कोई ऊंची नीची नहीं है, कोई कठिन सुगम नहीं है। इसमें मानने की सामर्थ्य है वो मानकर परमात्मा को प्राप्त करे, और जिसमें न मानने की सामर्थ्य है वो न मानकर परमात्मा को प्राप्त करे। क्योंकि तो परमात्मा तो जो प्राप्त होता है उसी का नाम परमात्मा है, क्या यूं भी कह सकते हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि परमात्मा ही प्राप्त होता है और कोई चीज प्राप्त होती नहीं। हाँ, और चीजों की तो प्रतीति होती है और चीजों में तो प्रवृत्ति होती है, तो प्रतीति होती है, प्रवृत्ति होती है, प्राप्ति होती नहीं। अब परमात्मा की आपको प्रतीति नहीं होती, इसलिए आपको प्रवृत्ति भी नहीं होती। तो प्रवृत्ति ना हो और प्रतीति ना हो तो भी तो निवृत्ति होगी ना, अरे प्रवृत्ति नहीं होगी तो निवृत्ति होगी, आज प्रतीति नहीं होगी तो विमुखता होगी, दृष्टि की विमुखता, प्रतीति की विमुखता। तो निवृत्ति और प्रतीति की विमुखता से भी नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ समीपता, एकता और अन्यता हो जाती। इस दृष्टि से सिद्ध हुआ कि भाई यदि कोई चीज प्राप्त होती है तो उसके उत्तर में लिख दो परमात्मा, ये कहना पड़ेगा। अगर कोई चीज प्राप्त होती है तो वो परमात्मा ही है,
और प्रतीत भी हो, प्रवृत्ति भी हो, प्राप्ति न हो, तो बोले उसी का नाम संसार है। प्रतीति तो होती है, उसकी ओर प्रवृत्ति भी होती है, किंतु प्राप्ति होती नहीं। तो ये ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति होती है, और आस्था श्रद्धा विश्वास के द्वारा परमात्मा की स्वीकृति होती है। तो जब हम परमात्मा को स्वीकार करेंगे तो बड़े बड़ी अच्छी वैज्ञानिक बात मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपने आप प्रेरणा हुई कि निर्णयात्मक स्वीकृति के कारण या निर्णयात्मक स्वीकृति आ जाने पर कोई प्रवृत्ति शेष नहीं है, प्रवृत्ति शेष नहीं रहती, प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। और जहां प्रवृत्ति समाप्त हुई तो क्या होगा कि आपकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाएगी, आपका चित्त बिना आधार के शांत हो जाएगा। और जब दृष्टि बिना दृष्टि के स्थिर हो गई, चित्त बिना आधार के शांत हो गया, योग की प्राप्ति हो गई। और जब योग की प्राप्ति हो जाती है तो बोध और प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि योग की पूर्णता हो और बोध न हो ये हो ही नहीं सकता, और बोध हो और प्रेम न हो ये हो ही नहीं सकता। जैसे भोग में मोह और आसक्ति रहती है, कोई नहीं कह सकता कि मैं भोग पसंद करूंगा और मोह और आसक्ति उसमें नहीं रहेगी, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे जब योग की प्राप्ति हो जाती है तो बोध और प्रेम भी उसमें रहता ही है, क्योंकि इन तीनों में स्वरूप से विभाजन नहीं होता। योग बोध प्रेम में स्वरूप से विभाजन नहीं होता। योग की पूर्णता में बोध और बोध की पूर्णता में प्रेम स्वतः ओतप्रोत रहता है, निहित रहता है। इसलिए भाई किसी भी प्रकार से योग प्राप्त करो, संसार की निवृत्ति के द्वारा भी योग की प्राप्ति होती है, और परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के महत्व को, परमात्मा के अपनत्व को स्वीकार करने से भी परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार, आत्मीय संबंध के होता है, और आत्मीय संबंध से भी योग की प्राप्ति होती है। आत्मीय संबंध में योग और क्या है? इस दृष्टि से विश्वास के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और केवल विचार के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे ज्ञान का मार्ग हो तो और विश्वास का मार्ग हो तो परमात्मा ही प्राप्त होता है, और कोई प्राप्त होने वाला है नहीं। इसलिए परमात्मा के लिए कह दिया गया कि वो सदैव है। परमात्मा ने नहीं कहा कि सदैव नहीं, सर्वत्र है। परमात्मा के लिए नहीं कहा गया सर्वत्र नहीं, वो सभी का है, अद्वितीय है, समर्थ है। तो जो सदैव है कभी भी है, सर्वत्र है तो अपने में भी है, सभी का है तो अपना भी है। तो अपने में अपना परमात्मा अभी मौजूद है, इसी का नाम तो आस्था हुआ। और आस्था क्या है? अपने में अपना परमात्मा मौजूद है। अब अपना होने से प्रिय है, और अपने में होने से वर्तमान की बात हो गई, उसकी प्राप्ति वर्तमान की हो गई, क्योंकि अपने में है अभी है। इस दृष्टि से विचार करके देखेंगे आप तो परमात्मा की प्राप्ति ही मानव के लिए अत्यंत सुलभ है, सहज है, स्वाभाविक है।
और कोई चीज प्राप्त होती होगी तो वो सभी के लिए सदा के लिए तो संभव है ही नहीं। संसार में कोई वस्तु, कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं है जो सदा के लिए हो, सभी के लिए हो। इसलिए जो सदा के लिए नहीं है, जो सभी के लिए नहीं है, उसे विवेकियों ने अपने लिए स्वीकार नहीं किया और विश्वासियों ने ये सर्वत्र के परमात्मा सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, ये स्वीकार करके परमात्मा को प्राप्त किया। तो चाहे आप विवेकी होकर परमात्मा को प्राप्त करें और चाहे आप विश्वासी होकर परमात्मा को प्राप्त करें, प्राप्त परमात्मा ही होगा, और कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इस वास्तविकता में आपका विकल्प रहित विश्वास हो जाए तो जिसकी प्राप्ति में हमारा विकल्प रहित विश्वास हो जाता है उसकी तीव्र लालसा जागृत हो जाती है, उसकी मांग जागृत हो जाती है। अब आप सोचिए कि हमारे आपके जीवन में परमात्मा की मांग जागृत हो गई तो फिर काम रह सकता है क्या? बोलो क्या रहा है? अगर जीवन में परमात्मा की मांग जागृत हो गई तो फिर कोई काम रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा कोई काम, नहीं कर्तव्य नहीं, काम नहीं रहेगा, यानी संसार का आकर्षण नहीं रहेगा। परमात्मा की मांग से संसार का आकर्षण नाश होता है, संसार भी नाश होता है, और आकर्षण के नाश होने से संसार का आकर्षण नाश हो जाए हमारे जीवन में से तो अपने आप आपको निर्विकल्पता प्राप्त हो जाए। निर्विकल्पता, ये निर्विकल्पता जो है ये निसंकल्पता से बहुत आगे की चीज है, यानी आप सुता है निर्विकल्प हो जाए, कोई विकल्प आप में नहीं रहेगा। क्यों? कोई संकल्प नहीं रहे हो संसार का आकर्षण नाश होने के बाद संकल्प का नाश हो जाता है और संकल्प का नाश होने से निर्विकल्पता आ जाती है और निर्विकल्पता में जीवन है, रस है, स्वाधीनता है, इसको संदेह की बात ही नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही सर्वसुलभ है, बिल्कुल कठिन नहीं है।